हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी दवाई एक्सपर्ट में। दोस्तों, बात करते हैं आज हम एक्यूक्लेव 625। ये बहुत सारे ब्रांड नेम के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। जैसे मेरे पास अभी मैक्लियोट फार्मास्यूटिकल्स का एक्यूक्लेव 625 MG है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्यूक्लेव 625 में एमोक्सिसिलिन 500 MG होता है और पोटेशियम क्लेबुलानेट 125 MG होता है। दोस्तों, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है। तो दोस्तों, आप वीडियो देख करके सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, हम इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। बात करते हैं दोस्तों एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेबुलानेट और किन किन ब्रांड नेम के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, इसका जो फेमस ब्रांड नेम है वो ऑगमेंटिन है, ऑगमेंटिन 625, एक्यूक्लेव, पॉलीक्लेव, बहुत सारे मॉक्सीक्लेव, बहुत सारे नामों से मार्केट में उपलब्ध होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आप किन किन ब्रांड नेम को जानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि इस दवा का प्रयोग किन किन इन्फेक्शंस में किया जा सकता है या किन किन बीमारियों में आपको डॉक्टर के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो ईयर, नोज़ और थ्रोट संबंधी इन्फेक्शंस में यूज होता है। ये RTI में यूज होता है, अपर RTI में, लोअर RTI में, फेफड़े से संबंधित बीमारियों में भी डॉक्टर इसको कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में और UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार बोन इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए बहुत सारी ऐसे, क्योंकि इसका नाम ही जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो इसका एरिया भी बहुत ब्रॉड है। तो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है, इसका प्रयोग आप तभी तक करें जब तक आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। अपने मन से इसका प्रयोग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने मन से इसको स्टॉप करना है। अगर आपको 5 डेज की थेरेपी दी है तो आपको प्रॉपर वो 5 डेज की थेरेपी लेनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इसकी मूल्य की। तो इसका जो मूल्य होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। तो जैसे अभी इसका प्राइस है 189 रुपीज़ का है स्ट्रिप पर 10 टैबलेट। तो ये कंपनी के, जैसे अलग अलग कंपनियों का चेंज भी हो सकता है। जैसे ऑगमेंटिन है वो तो थोड़ा महंगा होता है, तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से ये मिलता है, तो अलग अलग इसके प्राइस भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं उसमें डिसेंट्री, डायरिया, नोज़िया, वोमिटिंग, तो ये इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। कई बार कुछ रैशेज वगैरह भी बन जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस दवा को स्टॉप कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। हमारा ये वीडियो मेडिको स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग मेडिसिन की जानकारी चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।